20 मार्च 1963 टिहरी के आसमान पर दो हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे और नीचे हजारों की संख्या में जनता सिर ऊपर कर उन्हें बड़े आश्चर्य के साथ देख रही थी। कुछ ही पलों बाद धूल उड़ाते हुए वो दोनों हेलीकॉप्टर एक के बाद एक प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में उतरे। इस दोपहर टिहरी की जनता ने अपनी जिंदगी में दो चीजें पहली बार देखी, एक हेलीकॉप्टर और दूसरा भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को जो महिला रिसीव करने आई हुई थी वो उस वक्त देश की संसद में सबसे मजबूत नेता के रूप में अपना नाम दर्ज करा चुकी थी। एक ऐसी नेता जिसके अतीत में राजमहलों के ऊंची दीवारों के भीतर की गुमनाम जिंदगी थी, तो भविष्य में वो देश की बड़ी शख्सियत के रूप में विख्यात होने वाली थी। ऐसी नेता जिसे अभी अभी रजवाड़ों की गुलामी से निकली जनता ने तमाम गिले शिकवे भुलाकर जब संसद में भेजा तो इंग्लैंड के अखबारों में भी सुर्खियां बनी। और जब ये भद्र महिला संसद में पहुंची तो दो ऐसे कानूनों को पास कराया जिनकी जरूरत आने वाले दशकों में भारतीय महिलाओं और अनाथ बच्चों को सशक्त बनाने में पड़ने वाली थी। दरबार के पर्दे से भारत की संसद तक का सफर तय करने वाली ये महिला थी टिहरी की राजघराने की महारानी कमलेंदुमती शाह, जिन्हें इतिहास ने राजमाता के नाम से भी याद रखा। नमस्कार, मेरा नाम है अमन रावत और आप देख रहे हैं बारामासा की विशेष सीरीज विरासत। रानी कमलेंदुमती शाह की जीवन यात्रा शुरू करने से पहले उस वक्त के टिहरी रियासत के इतिहास को थोड़ा टटोल लेते हैं, जहां वो विवाह के बाद हमेशा के लिए आने वाली थी। रानी कमलेंदुमती शाह के विवाह से पहले टिहरी में अंग्रेज अधिकारी का शासन था। पहले अंग्रेज अधिकारी शेमियर और बाद में म्यूर ने यहाँ लगभग 7 साल तक राज किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टिहरी के राजा कीर्ति शाह की जब मौत हुई तब उनके उत्तराधिकारी बेटे नरेंद्र शाह की उम्र सिर्फ 15 साल थी। उस समय तक अंग्रेज ये कानून ला चुके थे कि जब तक कोई उत्तराधिकारी 18 साल का न हो जाए उसे राजगद्दी नहीं सौंपी जा सकती। लिहाजा ये तय हुआ कि नरेंद्र शाह का राज्याभिषेक तो कर दिया जाए लेकिन शासन एक संरक्षण समिति के हाथों में हो। ऐसा ही हुआ भी। संरक्षण समिति की अध्यक्ष राजा कीर्ति शाह की पत्नी और नरेंद्र शाह की माँ रानी नेपालिया को बनाया गया। लेकिन शासन संभालने के कुछ ही समय बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उन्होंने संरक्षण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने से इनकार कर दिया। तब संरक्षण समिति ने कुमाऊं कमिश्नर की संस्तुति पर एक आयरिश मूल के ICS यानी इंडियन सिविल सर्विस अधिकारी शेमियर को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। इंडियन सिविल सर्विस अंग्रेजों के जमाने की वही एलिट सर्विस होती थी जिसे आज IAS यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा कहा जाता है। शेमियर एक सुयोग्य शासक तो था ही, उसकी प्रजा से सहानुभूति भी थी, लेकिन वो दरबार के अधिकारियों की दलबंदी और चापलूसी पर काबू न पा सका। इससे चंद्रमोहन रतूड़ी और सत्यशरण रतूड़ी समेत कई बड़े दरबारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पूरी रियासत में अराजकता फैलने लगी। इन्हीं सबके बीच नरेंद्र शाह अपनी पढ़ाई के लिए अजमेर के मेयो कॉलेज में थे। रानी नेपालिया के सलाहकारों ने उन्हें सलाह दी कि अब वक्त आ चुका है कि वो नरेंद्र शाह को वापस बुलाएं और उनकी ताजपोशी करें, क्योंकि अब उनकी उम्र 18 साल हो चुकी थी। संरक्षण समिति ने यह भी सलाह दी कि उनका तुरंत विवाह कर देना चाहिए, लिहाजा उनके लिए रिश्ता तलाशा जाने लगा। रिश्ते की तलाश खत्म हुई हिमाचल प्रदेश की क्यूंठल रियासत में। यहाँ कमलेंदुमती हिमाचल की क्यूंठल रियासत के जुंगा राजा के परिवार में 20 मार्च 1903 को पैदा हुई थी। वह राजा विजय सेन और उनकी 4 रानियों में से एक रानी की बेटी थी। उनकी छोटी बहन का नाम इंदुमती था। इन दोनों ही बहनों की शादी एक साथ राजा नरेंद्र शाह से 2 फरवरी 1916 के दिन कर दी गई। ये शादी कैसे हुई इसके बारे में रानी कमलेंदुमती शाह ने अपनी डायरियों में विस्तार से लिखा है। इन डायरियों की मौलिक पांडुलिपि इस समय रिटायर्ड IAS और लेखक SS पांगति के पास सुरक्षित हैं। अपनी डायरी में रानी कमलेंदुमती अपने जीवन के शुरुआती दर्द को कुछ यूं साझा करती हैं। मेरा जन्म शिमला के पास एक छोटी सी रियासत में हुआ था। मेरे पिता की 4 पत्नियां थीं। ये वो दौर था जब पुरुषों के कई विवाह हो सकते थे, लिहाजा मेरे राजा पिता का विवाह मेरी माँ और उनकी छोटी बहन के साथ एक ही वक्त में कर दिया गया। उस वक्त मेरी मौसी महज 7 साल की थी। मेरे पिता मेरी माँ से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे, लेकिन उन दोनों के इस प्यार को जल्द ही ग्रहण लग गया। मेरी माँ से सबसे पहले मैं पैदा हुई और इससे पूरे महल में मेरी माँ के अलावा कोई खुश नहीं था। फिर 13 महीने बाद मेरी छोटी बहन इंदुमती का जन्म हुआ। मेरी मौसी का भी कोई लड़का नहीं हुआ, लिहाजा एक लड़के की चाहत में फिर से मेरे पिता का पास की एक रियासत की 2 बहनों से विवाह कर दिया गया। इस विवाह के बाद उन्होंने मेरी माँ
मौसी, मेरे और छोटी बहन इंदुमती के पास आना ही छोड़ दिया। वक्त बीता और हम अपनी माँ और मौसी को राजमहल के भीतर दुखी और बीमार ही देखते रहे। हालात इतने बुरे हो गए कि हमारे लिए खाने तक की जरूरत की कमी होने लगी। कई बार तो हमारे नौकर अपने गांव से हमारे लिए खाना बनाकर लाते थे। मौका देखकर एक दिन मेरी मौसी महल से भाग गई और मेरे नाना के पास पहुंची, जहां उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। तब मेरे नाना को उन हालातों का पता चला जो हम झेल रहे थे। लेकिन वो क्या करते, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग ये सोचते हैं कि महलों के भीतर सब खुश रहते होंगे, उन्हें इस कदर गलतफहमी होती होगी। बहरहाल इतिहास ने फिर से अपने आप को दोहराया। रानी कमलेंदुमती शाह के साथ ही उनकी छोटी बहन इंदुमती का विवाह एक साथ टिहरी रियासत के राजकुमार नरेंद्र शाह से कर दिया गया। उस वक्त कमलेंदुमती शाह 9 साल की थी और उनकी छोटी बहन इंदुमती महज 8 साल की। इस विवाह से महज एक माह पहले कमलेंदुमती और इंदुमती के पिता की मौत हो गई थी, लेकिन विवाह पहले से तय था, लिहाजा विवाह अनुष्ठान किए गए। यहाँ से कमलेंदुमती शाह के जीवन का एक नया अध्याय शुरू हुआ। विवाह के बाद उनके पति राजा नरेंद्र शाह और दोनों बहनें तमाम राज दरबारियों और सेवकों के साथ ट्रेन से किसी स्थान तक पहुंचे और वहां से 4 दिनों तक पैदल चलने के बाद टिहरी राजमहल पहुंचे। राजमहल पहुंचने के बाद वो राजा नरेंद्र शाह के साथ महज 4 दिन ही रह पाए, क्योंकि नरेंद्र शाह को अपनी आगे की पढ़ाई के लिए मेयो कॉलेज अजमेर लौटना था। राजमहल में दोनों बहनों को हर वक्त पर्दे में ही रहना होता था। विवाह से पहले ही पर्दा प्रथा के कारण दोनों बहनों ने घर पर ही हिंदी और उर्दू सीख ली थी। क्यूंठल के दरबारी संगीतज्ञ ने कमलेंदुमती की रुचि संगीत में जगाई। उन्होंने अपनी माँ से सितार वादन सीखा। विवाह के बाद कमलेंदुमती ने एक अंग्रेज महिला डॉक्टर से अंग्रेजी भी सीखी और विश्व दर्शन के साथ ही भगवद गीता का उन्होंने गहरा अध्ययन किया। कुछ समय बाद उन्होंने फ्रेंच भाषा भी सीखी, लेकिन इसी साल जब उनकी शादी हुई थी, राज्य एक भीषण आपदा की चपेट में आ गया। 19वीं सदी का पूर्वार्ध प्रथम विश्व युद्ध की भीषण मानवीय आपदा का दौर था। लाखों लोग इस युद्ध की चपेट में आने से या तो मारे गए थे या अपंग हो चुके थे। इसी दौरान टिहरी में भी हजारों लोग मारे गए, लेकिन ये लोग युद्ध के कारण नहीं बल्कि युद्ध ज्वार के कारण मरे। असल में टिहरी रियासत से अंग्रेजों की सेना की मदद करने जो सिपाही यूरोप गए थे और जिंदा बचकर लौटे, वो अपने साथ स्पेनिश फ्लू जैसी बीमारी भी लेकर आए थे। इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल अपनी किताब टिहरी गढ़वाल राज्य का इतिहास भाग 2 में लिखते हैं कि यूरोप में ये महामारी फैली और वहाँ से महायुद्ध से लौटे गढ़वाली सिपाहियों के साथ गढ़वाल के अन्य इलाकों के साथ ही टिहरी भी पहुँच गई। हालात इस कदर खराब हो चुके थे कि गांवों से लोग भागकर जंगलों और पर्वतों में आश्रय लेने के लिए मजबूर हो गए। मरे हुए व्यक्तियों के शव गांवों, सड़कों और तालाबों के आसपास गिरकर कई दिनों तक सड़ते रहे। आंकड़ों के अनुसार 18,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी से गढ़वाल में मारे गए। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के चाचा चंद्र बल्लभ खंडूड़ी और ताऊ तारादत्त खंडूड़ी दोनों इसी बीमारी में मारे गए थे। हर ओर हाहाकार मचा हुआ था। रानी कमलेंदुमती शाह और उनकी बहन इंदुमती शाह को इस दौरान महल के भीतर ही रहने की सख्त हिदायत थी। बहरहाल कुछ सालों बाद नरेंद्र शाह अपनी पढ़ाई खत्म कर लौटे और 4 अक्टूबर 1919 को उन्हें रियासत का राज्य अधिकार प्राप्त हुआ। इस दौरान रानी कमलेंदुमती ने जब कई बार उन्हें किसी दरबारी काम में सलाह देने की कोशिश की, तो उन्हें अपनी हदों में रहने की हिदायत राजा से मिली। अपनी डायरी में उन्होंने इसके बारे में लिखा कि जब श्रीदेव सुमन को जेल में डाला गया तो उन्हें ये ठीक नहीं लगा था। वो महाराजा नरेंद्र शाह को कहती रही कि तुम जाओ और श्रीदेव सुमन से बात करो, लेकिन उन्हें चुप करा दिया जाता। उन्हें सख्त हिदायत मिली कि पर्दे से बाहर आने की ज़रूरत की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। इसके बावजूद भी कई बार उन्हें जब कुछ चीज़ ठीक नहीं लगती तो वो अपनी बात रखती और डांट खाती। रानी कमलेंदुमती शाह ने अपनी डायरियों में बड़ी साफ गोई से एक एक बात सच लिखी है। उन्होंने लिखा कि मेरी और बहन इंदुमती शाह की अच्छी बनती थी। हम दोनों का ये प्यार तब तक रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। अपनी डायरी में रानी कमलेंदुमती ने अपनी ज़िंदगी की कुछ बेहद निजी बातों का जिक्र भी किया है। वो लिखती हैं कि 1930 में राजा नरेंद्र शाह और हम दोनों बहनें यूरोप दोबारा घूमने गए थे। इस बार हमारे साथ हमारे पति की एक महिला मित्र भी थी। यहाँ एक ऐसी दुर्घटना होने वाली थी जो अगर हो जाती तो टिहरी गढ़वाल का इतिहास ही कुछ और दर्ज होता, और इस दुर्घटना को अंजाम देने वाली शख्स वो खुद थी। वो लिखती हैं कि हुआ कुछ यूं कि जब वो यूरोप पहुंचे तो वो महिला मित्र कुछ ज़्यादा ही हमारे पति राजा नरेंद्र शाह के करीब आ गई। इससे मेरी बहन और मुझे बहुत गुस्सा आया। कई बार तो हम सभी बहन थिएटर में कोई कार्यक्रम देखने जाते तो वो नरेंद्र शाह के बगल वाली सीट पर बैठ जाती। उन्होंने भी हम दोनों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया था। रानी कमलेंदुमती शाह बताती हैं कि मुझे अपना दुख नहीं था, दुख मुझे अपनी बहन का हो रहा था। उस यात्रा में मैं रात 3-3 बजे तक सिगरेट पीती और टेंशन करती। मैं डिप्रेशन से पीड़ित हो गई।
फिर एक दिन मुझे डिप्रेशन का दौरा पड़ा। मैंने अपने साथ लाई रिवॉल्वर को लोड किया और वहां पहुंच गई जहां नरेंद्र शाह उस महिला मित्र के साथ थे। उस दिन मैं उन दोनों की हत्या करने जा रही थी और इसको अंजाम देने के लिए मैं होटल में उनके कमरे में भी घुस गई थी, लेकिन फिर अचानक मैं रुक गई और नरेंद्र शाह ने मुझसे वो रिवॉल्वर छीन ली। उस दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हुआ। बाद में उन्होंने उस महिला से अपने संबंध दूर करने शुरू कर दिए। हालात यहाँ तक हो गए थे कि महिला कई बार टिहरी दरबार भी शराब के नशे में धुत होकर उनसे मिलने पहुँच जाती, लेकिन उसे वहाँ जब कोई तवज्जो नहीं मिली तो उसकी शराब पीने की लत इस कदर बढ़ गई कि कुछ ही महीनों बाद उसकी मौत भी हो गई। सोचिए अगर उस दिन मैं दोनों की हत्या कर देती तो इतिहास में मेरे बारे में क्या दर्ज हो जाता। हालांकि पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद रानी कमलेंदुमती शाह सामान्य हो गई थी और उन्हें फिर से अपनी छोटी बहन और महाराजा से प्यार और सम्मान मिलने लगा। लेकिन ये प्यार और सम्मान भी ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रहा। पहले कार एक्सीडेंट में बहन की मौत हुई और फिर 7 साल बाद 1950 में एक और कार दुर्घटना में राजा नरेंद्र शाह की भी मौत हो गई। हालांकि अपनी बहन की मौत के बाद उन्होंने अपनी बहन के बेटे मानवेंद्र शाह को राजगद्दी पर बैठाने के लिए राजा को मना लिया था। ऐसा उन्होंने तब किया जब उनके खुद के 3 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा लगभग मानवेंद्र शाह के बराबर ही था। बहरहाल इन दोनों की मौत और टिहरी रियासत के भारत में विलय के बाद महारानी कमलेंदुमती शाह के जीवन का तीसरा सफर शुरू होना था, जहां उन्होंने महलों के पर्दों को दरकिनार कर खुद को भारत की राजनीति में एक सशक्त महिला नेता के तौर पर दर्ज कराया। वो राजमहल को छोड़कर कौड़ियाला के पास एक आश्रम में रहने लगी थी, जो उनके लिए खुद राजा नरेंद्र शाह ने तब बनवाया था जब वो अपनी बहन की मौत के बाद दुखी रहने लगी थी। उधर 1952 में देश की लोकसभा के लिए पहले संसदीय चुनाव की घोषणा हुई और रियासत के भारत में विलय के बाद टिहरी लोकसभा सीट के तौर पर चुनी गई। उस वक्त बिजनौर तक टिहरी लोकसभा का हिस्सा हुआ करता था। राज दरबार और कांग्रेस के कुछ लोगों ने तय किया था कि राजा मानवेंद्र शाह को इस चुनाव में पर्चा भरना चाहिए, लेकिन कुछ अंदरूनी राजनीति के कारण उनका पर्चा तकनीकी पहलुओं का हवाला देते हुए निरस्त कर दिया गया। उधर कांग्रेस ने भी तुरंत कृष्ण सिंह को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन राजघराने के कुछ सलाहकारों ने ये सलाह मशवरा किया कि अगर राजमहल से अलग थलग रह रही रानी कमलेंदुमती शाह को मनाया जाए तो उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। सलाहकारों ने इसके लिए 2 मत दिए। पहला तो ये कि रानी कमलेंदुमती शाह की पूरे टिहरी संसदीय सीट में सामंती हनक वाली छवि नहीं है। दूसरा ये कि राज दरबार में पर्दे में रहने के कारण वो केवल एक डमी के रूप में रहेंगी और उनकी सांसदी को कुछ सयाने राजघराने के लोग चलाएंगे, लिहाजा एक प्रतिनिधिमंडल रानी के पास उनको राजनीति में उतरने के लिए मनाने गया। काफ़ी मान मनोबल के बाद रानी कमलेंदुमती शाह मान गई। उन्होंने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पर्चा भरा और अपना चुनावी अभियान शुरू कर दिया। चुनाव परिणाम में वो कांग्रेस प्रत्याशी कृष्ण सिंह से 13,982 वोटों से जीती। भारत की पहली लोकसभा में 22 महिला सांसद चुनी गई थी, लेकिन कमलेंदुमती शाह और त्रिवेंद्रम से एनी मस्कारिन का नाम उन लोकसभा सदस्यों में दर्ज है जो निर्दलीय चुनकर आई थी। वैसे तब के उत्तर प्रदेश और अब के उत्तराखंड से केवल रानी कमलेंदुमती शाह ही पहली सांसद नहीं थी। देहरादून में जन्मी और MKP यानी महादेवी कन्या पाठशाला में पढ़ाई कर नेता बनी गंगा देवी भी चुनाव जीती थी, लेकिन देहरादून से नहीं बल्कि लखनऊ बाराबंकी सीट से। उधर संसद में पहुंचने के बाद उनके सलाहकारों को यह लगा कि अब रानी बैकफुट पर आ जाएगी और संसदीय काम वो करेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के महज कुछ ही दिनों बाद रानी कमलेंदुमती शाह ने अपने तेवर साफ कर दिए थे और जता दिया था कि वो अपने विवेक से ही तमाम फैसले लेंगी। उन्होंने अपने सामंती पर्दे को एक तरफ फेंका और अपने आवास के दरवाजे जनता के लिए ताउम्र के लिए खोल दिए। उन्हें फ्रेंच, अंग्रेजी और उर्दू का अच्छा ज्ञान था, साथ ही वर्ल्ड फिलोसॉफी का भी अध्ययन बेजोड़ था। इसी अध्ययन के कारण उनका संसद में दिया भाषण बेजोड़ होता। उनके ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले भाषणों के कारण उन्होंने पहली लोकसभा में वो कानून पास कराया जिसके लिए भविष्य में वो तमाम गुर्बत से लड़ रही महिलाएं और अनाथ बच्चे उन्हें धन्यवाद देते, जिन्हें इस कानून के जरिए नई जिंदगी मिलती थी। पितृसत्तात्मक परिवार से निकली सांसद कमलेंदुमती शाह ने महिलाओं के कल्याण के लिए काम करने वाली संस्थाओं को लाइसेंस जारी करने की व्यवस्था का निजी विधेयक विमेन एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन बिल 1954 और समाज में व्याप्त महिलाओं की अनैतिक देह व्यापार पर प्रतिबंध बिल 1957 पास कराया। इसी कानून के तहत आज के वक्त में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय काम करता है और अनैतिक देह व्यापार के साथ ही महिलाओं और बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित करने में अहम योगदान देता है। वरिष्ठ लेखक SS पांगती अपनी किताब फ्रॉम पर्दा टू पार्लियामेंट एंड पद्मभूषण में लिखते हैं कि रानी कमलेंदुमती शाह ने न केवल भारत की संसद में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई बल्कि वो अपनी संसदीय सीट में ही 12,874 किलोमीटर की पैदल और घोड़ों से यात्रा कर अधिकांश गांव तक पहुंची। ये उस वक्त का रिकॉर्ड था। आज के वक्त में जब तमाम गांवों तक सड़क पहुंच चुकी है तब भी लोगों को शिकायत रहती है कि उनके प्रतिनिधि उनके वोट से जीत हासिल करने के बाद भी उनके गाँव तक नहीं पहुँचे।
इसी दौरान उनके महिलाओं के अधिकारों के लिए किए गए उल्लेखनीय कामों के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। इस सम्मान पाने वाली वो भारत की तीसरी और उत्तराखंड की पहली महिला थी। 1957 के दूसरे लोकसभा चुनाव के लिए उनकी जीत निश्चित थी, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपनी बहन के बेटे मानवेंद्र शाह के लिए टिहरी लोकसभा की सीट छोड़ दी और फिर से अपने आश्रम में लौट आई। पहाड़ में अपने एक लेख में कुसुम रावत लिखती हैं कि कमलेंदुमती शाह के नेक कामों की जमीन पर ही राजा मानवेंद्र शाह 8 बार सांसद बने। उधर सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने के बाद लोग उन्हें राजमाता कहने लगे। राजनीति से संन्यास लेने के बाद वो सामाजिक कार्यों में जुट गई थी। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण परिषद का उपाध्यक्ष मनोनीत किया और उनकी देखरेख में ही टिहरी में वयस्क महिला शिक्षा कार्यक्रम चला। 1958 में वो अमेरिका चली गई और वहां पर 6 महीने दर्शन शास्त्र की कक्षाएं ली। ये भी अचरज की बात है कि बाद में उन्हें अमेरिकी सरकार ने 2 बार दर्शन शास्त्र में व्याख्यान देने के लिए भी बुलाया। वहीं साल 1968 में राजमाता कैलिफोर्निया के गवर्नर रॉजर्स के न्योते पर अमेरिका गई और वहां पर एक महिला आश्रम में समासिनियों को योगाभ्यास कराया। वह सुविधाजनक जीवन जी रही समासिनियों को यह समझाने में सफल रही कि स्वस्थ शरीर और दिमाग के लिए शाकाहारी भोजन अधिक फायदेमंद होता है। साल 1963 में उन्होंने अपनी छोटी बहन रानी इंदुमती शाह के नाम पर इंदुमती अध शिशु शरणालय सोसाइटी की स्थापना की, जहां दृष्टिहीन बच्चों की पढ़ाई और छात्रावास निःशुल्क होता था। इसी तरह साल 1965 में अनपढ़ युवाओं के लिए जनसेवा आश्रम सोसाइटी का गठन किया, जबकि साल 1970 में अपने ससुर के नाम पर राजा कीर्ति शाह धर्मार्थ न्यास स्थापित कर कुष्ठ रोगियों के उपचार निःशुल्क करने की व्यवस्था शुरू की। उन्होंने इसके बाद महाराजा नरेंद्र शाह ट्रस्ट का गठन भी किया और अपनी सारी निजी संपत्ति इस न्यास को दान कर दी और इस ट्रस्ट की प्रबंधक बनी। इसी ट्रस्ट के तहत टिहरी में नरेंद्र महिला विद्यालय भवन का निर्माण कराया गया। 1961 में इस कॉलेज में क्लास चलनी शुरू हुई। इसी कॉलेज का उद्घाटन करने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए थे। उस वक्त टिहरी में पहली बार हेलीकॉप्टर उतरा था। इस विद्यालय का नाम भले ही नरेंद्र महिला विद्यालय था, लेकिन आम बोलचाल में इसे राजमाता विद्यालय ही कहा गया। इस विद्यालय का वास्तुशिल्प उस वक्त भारत के तमाम स्कूलों से खूबसूरत था। स्कूल के भीतर खुला ग्रीक ऑडिटोरियम, उसके आगे कृत्रिम तालाब जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ और खूबसूरत कमल खिले होते थे, छायादार पेड़, अलग अलग रंगों के फूलों की क्यारियाँ। भव्य पवेलियन के नीचे कमरों में क्लासरूम थे, जहाँ संगीत, दस्तकारी, शिल्पकारी, कला आदि की कक्षाएं होती थी। आगे की ओर मुख्य बिल्डिंग थी, जिसमें ऊंची छत, बड़ी खिड़कियों और रोशनदान वाले बड़े बड़े क्लासरूम्स, प्रयोगशालाएं और कार्यालय थे। मुख्य बिल्डिंग के सामने असेंबली ग्राउंड था। यहाँ भी एक गोल तालाब था जिसमें कमल खिले होते थे। रानी कमलेंदुमती शाह ने देहरादून के कालिदास मार्ग पर अपना आवास भी इस ट्रस्ट को दान कर दिया और जब तक इस आवास में रही उन्होंने ट्रस्ट को इसका बाजारी मूल्य के बराबर किराया चुकाया। उन्होंने अपने बेटों शार्दुल विक्रम, बालेंदु शाह और पोतों को कोई भी संपत्ति नहीं दी और नहीं अपने बेटों में से कभी किसी को ट्रस्ट का सदस्य बनाया। अपने सौतेले बेटे मानवेंद्र शाह को उन्होंने इसका ट्रस्टी अध्यक्ष घोषित जरूर किया। बाद में इसके प्रबंधक तत्कालीन टिहरी के जिलाधिकारी और बाद में गढ़वाल कमिश्नर रहे SS पांगती रहे। SS पांगती बताते हैं कि रानी कमलेंदुमती शाह में कभी राज परिवार की कोई हनक नहीं रही। उन्हें कभी कोई काम भी होता तो खुद आती थी। वो चुपचाप जरूरतमंद लोगों की आर्थिक मदद करती थी और ये आर्थिक मदद भी वो अपनी पेंशन से करती थी। वह न ही गलत पसंद करती थी और न कभी किसी गलत व्यक्ति की सिफारिश करती थी। वो तो अपने और पराये के भेद से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। कुसुम रावत लिखती हैं कि मौत के बाद पद्म भूषण और उसके दस्तावेज ट्रस्टियों को बंद पड़े मिले। वह सच में मान सम्मान, धन, प्रतिष्ठा और पदों के प्रपंच से बहुत ऊपर उठ चुकी थी। बाद में उनकी संपत्ति पर बड़ा विवाद भी हुआ, जिस कारण संपत्तियों को बेचकर ट्रस्ट में पैसा जमा कराया गया। कई फर्जी लोग उनकी ही वसीयतें लेकर खड़े हो गए। अपने आखिरी दिनों में वो कहती थी, मैंने संपत्ति सही हाथों में सौंप दी है। मेरी प्रवृत्ति नुकसान के बदले नुकसान न पहुंचाकर अपने मौलिक स्वभाव पर टिके रहना है। मैं सबको नादान बच्चों की तरह प्रेम करती हूँ। सही गलत देखने को अब ट्रस्टी है। 15 जुलाई 1999 को उन्होंने एक लंबी बीमारी के बाद देहरादून के अपने आवास में अंतिम सांस ली। विरासत के इस एपिसोड की स्क्रिप्ट लिखी थी हमारे सहयोगी मनमीत ने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जुड़े रहें बारहमासा।